गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजेश्वरी आप लोगों को मैथ्स के क्लास में स्वागत कर रही हूँ। बच्चों, कल हम लोगों ने 5P10G के बारे में पढ़ा था और 5P10G की यूज करते हुए हम लोग ये सब जो फिगर्स है उसका बनाया था। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज 7P10G के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, 7P10G दरअसल ये है, ये भी एक स्क्वायर शेप में है लेकिन इसमें कुछ इस तरह का फिगर्स कट किया गया है। देखिए, जैसे कि नंबर 1, नंबर 2, 3 अगेन एक ट्रायंगल है, 4 एक स्क्वायर है, 5 एक छोटा सा ट्रायंगल है, 6 और 7 आर ट्रायंगल्स। ओके, और ये सारी चीज़ों को, ये जो कटिंग जो पीसेस है, ये मैंने आपको बताया है कि बुक में जो लास्ट वाले पन्ने में ये 7 पीस का ट्रायल 10G दिया हुआ है, उसको कट करिए। कट करके ये सब बनाना होगा आप लोगों को। तो बच्चों, ये 10G कोई उतनी बड़ी बात नहीं है, ये 10G एक पज़ल होता है जिसका उपयोग करके हम विभिन्न तरह का चित्रों को बना सकते हैं, ठीक है, जोड़कर। और यहाँ पे जो चीज़ें दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे एक एग्जांगल दिया गया है, उसको यूज़ ओनली ट्रायंगल्स, केवल ट्रायंगल्स का यूज़ करते हुए ये एग्जांगल एग्जागन बनानी है। फिर पीस नंबर 1, 2, 3 और 5 का उपयोग करके हम लोगों को रेक्टेंगल बनानी होगी। कोई भी दो ट्रायंगल्स का यूज करते हुए हम लोगों को स्क्वायर बनानी होगी। पीस 1, 2, 3, 4 और 5 का उपयोग करके भी हम लोग स्क्वायर बना सकते हैं। तो बच्चों, ये सब आप लोगों को कट करके बनाना होगा 7 पीस का जो 10G दिया हुआ है। अभी हम लोग वीविंग पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे। पैटर्न्स के बारे में तो आप लोग कक्षा 2 में और कक्षा 1 में भी था, सो आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी। तो पैटर्न्स क्या होता है? पैटर्न्स एक सिस्टमेटिक सिक्वेंस ऑफ ग्रोइंग होता है, मतलब ये जो जिस रफ्तार से बढ़ता है उसका एक सिस्टमेटिक ढंग होना चाहिए, ठीक है। वीविंग पैटर्न्स आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों के मम्मी के पास बहुत सारी साड़ियाँ होंगी, आपके घर में बहुत सारे कपड़े होंगे। सो ये कपड़े के डिज़ाइंस जो होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, उसमें भी पैटर्न्स पाया जाता है, ठीक है। Now, Golu and Binu went to the market with their aunt. They saw many rugs. ठीक है, वो लोग बहुत सारे दरी देखे थे और उसी जो दरी का प्रयोग डिजाइन दरअसल कुछ इस तरह का है। Wow, so many colors, so many shapes, circles, triangles, see the patterns. देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, जो दरी का फिगर्स दिए गए हैं बच्चों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसमें बहुत सारे शेप का नियोजित किया गया है, शेप का विनियोग किया गया है। तो चलिए बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। विच ज्योमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई इन दीज बॉर्डर्स, ड्रॉ देम इन योर नोटबुक। बच्चों, यहाँ पे जो बॉर्डर्स दिए गए हैं उसमें जो ज्योमेट्रिकल शेप्स आप लोग देख रहे हो उसको आप अपने कॉपी में बनाओगे। इज एनी शेप रिपीटिंग इन ए पर्टिकुलर पैटर्न, विच वन? आप लोगों को देखना है कि ये जो शेप, ये जो है, ये एक पैटर्न एक तरह का एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ग्रीन एंड पर्पल वाले में भी एक सिस्टम है, ठीक है, उसको ड्रॉ करना होगा आपको अपनी कॉपी में। और वो जो लास्ट वाला दरी में भी एक पैटर्न पाया जाता है, ये सारे में पैटर्न्स है और ये सारे पैटर्न्स को आपको बॉर्डर में जो जो पैटर्न्स मिलते हैं उसका ड्राइंग करना होगा आपको अपने कॉपी में। आर दी शेप्स मेड ऑफ कर्व लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, बोथ कर्व और स्ट्रेट लाइंस? तो आपको पता है बच्चों कि ये जो पैटर्न्स में बोथ स्ट्रेट लाइन भी यूज किए गए हैं और कर्व लाइन भी यूज किया गया है। आप हम लोग पढ़े थे स्ट्रेट एडजेस एंड कर्व एडजेस के बारे में। तो अभी आप लोगों को जो देखना है कि ये तीसरा नंबर पे टिक लगाना होगा कि बोथ स्ट्रेट एंड कर्व एडजेस और कर्व लाइंस, ठीक है। लुक एट योर क्लोथेस ऑफ योर मदर्स, साड़ी, शॉल्स, रग्स एंड मैट्स, कैन यू आइडेंटिफाई सम पैटर्न्स, ड्रॉ देम इन योर कॉपी। बच्चों, आपको देखना है कि आपके मम्मी के साड़ी में
या फिर बेडशीट में देखिए, बेडशीट का बॉर्डर भी एक पैटर्न पाया जाता है, तो इसमें देखना है और उसमें सिर्फ लगभग 3 पैटर्न्स आपको अपने कॉपी में ड्रॉ करनी होगी। तो ड्रॉ एंड पेंटिंग का काम बच्चों को ज़्यादातर बहुत ही पसंद होता है, तो ये सब आप लोग अपने कॉपी में करके दिखाओगे। सो होप कि बच्चों आप लोगों को ये जो पैटर्न्स ड्रॉ करना और वीविंग पैटर्न्स करना और बहुत ही मज़ेदार और फनी एक्टिविटी से आप लोग इस चीज़ को एंजॉय करिए। अपने कॉपी में बहुत सारे पैटर्न्स को बना के आप लोग कॉपी का पिक सबमिट करेंगे। सो होप कि बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स थैंक्स अ लॉट।